नमस्कार, मैं हूं कंचन। रेसिपी प्लैनेट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिंपल मटन ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मसाले बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल रेसिपी है और हमें इसको अलग से मैरिनेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और इसको आज हम कुकर में बनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर कुकर रखा है और अभी उसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं और अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। और अभी जीरा भून गया है और अभी डालेंगे लंबे स्लाइस में कटे 2 प्याज। इसको अच्छे से भुनना है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत फटाफट बनती है। प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भुनेंगे और अभी इस समय इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। आज मैंने दरदरा कूट के डाला है। इसको भी थोड़ा सा भुनेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का पेस्ट बना के लिया है मिक्सर में से। अब ये इसके अंदर डालेंगे और अब इसको भी अच्छे से भुनेंगे। टमाटर का पानी सूखने तक अच्छे से भुनना है। टमाटर अभी थोड़ा सा भुन गया है और अभी इस समय इसमें डालेंगे सूखे मसाले। और अभी इसमें डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और अभी फिर से 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक कलर वाली है। अभी इन सारे मसालों को थोड़ा सा भुनेंगे। इसको तब तक भुनना है जब तक कि टमाटर तेल ना छोड़ने लगे। अगर आप चाहे तो सेम तरीके से पतीले में बना सकते हैं और ग्रेवी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसाला तेल छोड़ने लगा है। और अभी इस समय इसमें डालेंगे 1/2 किलो मटन। मटन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मटन करी जितनी जल्दी बनती है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। अगर कभी भी इंस्टेंट नॉनवेज की रेसिपी बनानी हो तो आप इससे बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनती है। और अभी इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और साथ ही साथ 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आज बिरयानी मसाला का इस्तेमाल किया है। और अभी फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भुनेंगे। करीब 3-4 मिनट के लिए ऐसे हमें भुनना है, बीच बीच में रुक के भी आप चला सकते हो। और अभी इसमें डालेंगे गरम पानी। गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए, ठंडा पानी मत डालिए इस वक्त। गर्म पानी का इस्तेमाल करने से मटन अच्छे से पकेगा भी और टेस्टी भी बनेगा। अभी इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम कुकर को ढक्कन लगा के 4 सीटी करते हैं। 4 सीटी में मटन आसानी से पक जाता है। अगर आप ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 सीटी ज़्यादा कर सकते हैं। अभी कुकर की सीटी हो गई है, कुकर थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। अभी ढक्कन निकालते हैं और देखते हैं। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा बना है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर देख के भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और एक अभी इस तरीके से मटन का पीस तोड़ के देखेंगे, मटन भी अच्छे से पक चुका है। और अभी इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। अभी हमारा ये मटन तैयार है, इसको सर्व करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब भी नॉनवेज खाने की इच्छा हो और बनाने में भी आलस आए तभी ये फटाफट बनने वाली रेसिपी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारी नॉनवेज की या वेज की रेसिपीज़ हमारे चैनल पर है, आप वो भी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और बना के ट्राई कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी ज़रूर बताइए कि आपने कौन सी रेसिपी बनाई और वो कैसी बनी, और अगली रेसिपी कौन सी बनानी है ये भी बता सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।